चोपड़ा इस बार सिल्वर से ही उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बना दिया भाई। 92.97 मीटर का रिकॉर्ड है ये, मतलब 93 से सिर्फ 0.3 मीटर का उनका फासला था, जिसके चलते नीरज चोपड़ा जो है सेकंड आए और ग्रेनेडा के जो एथलीट है वो नंबर 3 पर आए, यानी कि गोल्ड मेडल गया पाकिस्तान के पास, सिल्वर मेडल गया इंडिया के पास और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो गया ग्रेनेडा के पास। नीरज चोपड़ा का था 89.45 और उसमें भी उन्होंने जो 6 बार का अटेम्प्ट मिलता है, मेरे ख्याल से शायद 2 बार वो थ्रो मार पाए और बाकी 4 बार उनका फाउल हुआ है। और अरशद नदीम ने अपने सेकेंड थ्रो में ही ये कंफर्म कर दिया था कि भाई ये गोल्ड मेडल होने वाला है, क्योंकि वहां पर जब उनका 92.97 आया था उसके बाद कोई चमत्कार ही होता जो शायद नीरज चोपड़ा कर पाते, अदरवाइज वो गोल्ड मेडल जो है सिक्योर्ड था पाकिस्तान के पास। और अरशद नदीम ने ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये सिर्फ आई थिंक शायद 3रा मेडल है और 92 ओलंपिक्स के बाद ये उनका पहला मेडल है, तो पाकिस्तान विल बी प्राउड। और इंडिया जो है देखिए गर्व जरूर होगा कि नीरज चोपड़ा एटलीस्ट मेडल लेकर आए हैं, बट इस बार मेडल का जो कलर है वो चेंज हुआ है, तो वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा इस बार हार चुके हैं और गोल्ड मेडल जो है वो उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मिला था और अब जाकर उन्हें सिल्वर मेडल से संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि देखिए अच्छी खबर नहीं, हालांकि भारत के पास सिल्वर मेडल आया है, क्योंकि अब तक जो 4 आए थे वो ब्रॉन्ज आए थे, अब जाकर भारत के पास जो मेडल आया है वो उसका कलर बदला है और एक सिल्वर आया है, और आई डोंट थिंक कि अब इसके बाद भारत के पास कोई उम्मीद है जहां पर भारत कोई मेडल जीत जाए। तो आप समझिए कि 4 की मेडल टैली से ही भारत को संतुष्टि करनी पड़ेगी इस बार पेरिस ओलंपिक्स में। पिछली बार आई थिंक शायद 7 मेडल थे, बट इस बार 4 मेडल है, जिसमें से हॉकी में एक आया, मनु भाकर ने आपको 2 दिलवा दिए, एक सरबजोत का आया और अब आपका आया है नीरज चोपड़ा वाला। तो 4 मेडल के साथ आई थिंक इंडिया जो है फिनिश करेगा पेरिस ओलंपिक्स 2024। उम्मीदें बहुत थी पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, विनेश फोगाट और भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिनसे इस बार मेडल की उम्मीद थी, बट इस बार बहुत कम जो है मेडल्स आए हैं। ठीक है पिछली बार बहुत अच्छा था, बट इस बार लगा था कि और ज़्यादा, एटलीस्ट 10 मेडल्स का हमने शायद गोल सेट किया था कि 7 से 10 के बीच में मेडल्स आएंगे, बट इस बार इंडिया की किस्मत इतनी ख़राब रही, लक्ष्य सेन भी पीछे रह गए, पीवी सिंधु भी रह गई, मीराबाई चानू भी नहीं कर पाई, विनेश फोगाट का बहुत अनलकी रहा, नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर नहीं आ पाए, हॉकी टीम गोल्ड तक नहीं जा पाई, सिल्वर तक नहीं जा पाई, ब्रॉन्ज पर ही हॉकी टीम ने भी संतुष्टि की। और आज भी जब हॉकी ने ब्रॉन्ज जीता तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भी ब्रॉन्ज जीता था और अब भी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भी टीम इंडिया ने जो हॉकी टीम है वहां पर उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। बट बात यह कि नीरज चोपड़ा की इस मैच की बात करें तो यार चोपड़ा जी पहले जब पहला अटैम्प्ट था वहां पर ही वो फाउल हो गया था, हालांकि चोपड़ा जी पूरे कॉन्फिडेंट थे, लगातार जब कैमरा उन पर जा रहा था तो लगातार वो इशारा कर रहे थे कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कोई बात नहीं थोड़ा ठंड रखो, मैं आऊंगा। बट फाउल बहुत हो गए, 6 अटैम्प्ट मिलते हैं एक एथलीट को और 6 अटैम्प्ट में चोपड़ा जी सिर्फ 2 अटैम्प्ट कर पाए, यानी कि बाकी 4 जो अटैम्प्ट थे वो फाउल में गए थे, जिसके चलते चोपड़ा जी को शायद उतने मौके मतलब खुद की तरफ से नहीं मिले, ऐसा नहीं कि उनको मौके नहीं मिले, फाउल हो गए, अदरवाइज शायद और 3-4 जो बचे हुए थे उनमें से अगर 2-3 और थ्रो मारते शायद में भी हम करीब पहुंचते। बट 89.45 भी देखिए बहुत अच्छा था, सीजन बेस्ट था उनका, पिछली बार आई थिंक 88 पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और अरशद नदीम को पिछली बार कुछ भी नहीं मिला था, बट इस बार अरशद नदीम का लगातार आ रहा था कि भाई अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा इन दोनों के बीच एक टक्कर वाली फाइट होगी और वही हुआ। पाकिस्तान ने मेडल जीता है, पहले नंबर पर पाकिस्तान आया है, दूसरे नंबर पर इंडिया आया है, क्योंकि नीरज चोपड़ा का जो मेडल है गोल्ड, अब गोल्ड नहीं रहा, अब वो सिल्वर रहा है, हालांकि मेडल कंफर्म था कि मेडल आना चाहिए और मेडल लाए हैं नीरज चोपड़ा, प्राउड मोमेंट है, बट अब क्योंकि उनसे उम्मीदें यार गोल्ड की थी ना, पिछली बार भी गोल्ड की उम्मीद, पिछली बार कोई उम्मीद नहीं थी, गोल्ड आ गया था, उसके बाद लगातार बहुत सारी चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लेकर आए हैं, तो अब लग रहा था कि यार गोल्ड ही जीतेंगे और सोशल मीडिया पर भी बड़ी हाइप थी इस चीज़ की कि यार अगर नीरज चोपड़ा जीतते हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऋषभ पंत ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई 1,89,000 रुपये वो देंगे, है ना, बहुत से लोगों ने ये किया था कि यार अमेजोन पे ऑफर चल रहे थे कि वाउचर मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं थी, बट देखिए ज़्यादा जब आप उम्मीदें करने लगते हैं कहीं ना कहीं वो उम्मीदों पर नुकसान भी होता है, ठेस भी पहुंचती है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें पता चली, बट हम सब प्राउड हैं नीरज चोपड़ा पर कि यार आपने टीम इंडिया को एक बार फिर से भारत देश को प्राउड मोमेंट करवाया है और आपने एटलीस्ट सिल्वर मेडल जीता, बहुत बड़ी बात है, अगली बार लॉस एंजलिस में फिर से हम गोल्ड के लिए ट्राई करेंगे।
तो ये पूरा लाइव सेशन इसी बारे में था। और ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे